डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग दिशा में तबरेज शमसी को छक्का मारकर केएल राहुल ने टी20 इंटरनेशनल में अपना 19वां अर्धशतक पूरा किया। लेकिन इस पचासे में एक ऐसी चीज है जो केएल राहुल के पूरे टी20 करियर में नहीं हुई। केएल राहुल ने इस मुकाबले में इतना धीमा अर्धशतक बनाया जो कि टेस्ट खेलने वाले किसी भी देश के खिलाड़ी का सबसे धीमा अर्धशतक हो गया। भारत और साउथ अफ्रीका के बीच बुधवार 28 सितंबर को 3 मैच की टी20 सीरीज का पहला मैच खेला गया। इस मैच में रोहित ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी चुनी और साउथ अफ्रीका को 106 रन पर रोक दिया। इस लक्ष्य का पीछा करते हुए भारत ने मुकाबला 16.4 ओवर में जीत लिया। टी20 इंटरनेशनल की स्लोएस्ट 50 ये कैसे हुई ये बता देते हैं। केएल राहुल ने मैच विनिंग शॉट लगाकर साउथ अफ्रीका के खिलाफ 56 गेंदों में अपना 50 पूरा किया। लेकिन ये अर्धशतक इतना स्लो था कि टी20 क्रिकेट की हिस्ट्री में कभी नहीं हुआ था। राहुल का अर्धशतक किसी भी टेस्ट प्लेइंग नेशन के बल्लेबाज का टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे धीमा स्कोर भी रहा। केएल राहुल ने अपनी पारी में 91.07 के स्ट्राइक रेट से 2 चौके और 4 छक्के लगाए। केएल राहुल ने इस मैच में नाबाद पारी खेल भारत को मैच तो जिताया लेकिन उनकी इस धीमी पारी पर कई सवाल उठ रहे हैं। अब मैच में क्या हुआ ये बता देते हैं। मैच की बात करें तो टीम इंडिया के लिए पहले गेंदबाजी करते हुए अर्शदीप सिंह और दीपक चाहर ने कमाल कर दिया। दोनों गेंदबाजों ने पहली 15 गेंदों में ही साउथ अफ्रीका की आधी टीम को पवेलियन लौटा दिया था। अर्शदीप ने मैच में 3 और दीपक चाहर ने मैच में 2 विकेट चटकाए। इसके साथ साथ हर्षल पटेल ने 2, अक्षर पटेल ने 1 और साउथ अफ्रीका को इन सारे बॉलर्स ने मिलकर 106 रन पर ही रोक दिया। इस स्कोर का पीछा करते हुए भारत ने पावर प्ले में खराब शुरुआत की। रोहित के विकेट के बाद पावर प्ले की मेहमानों की गेंदबाजी में भारतीय बल्लेबाज बुरी तरह से फंसे हुए नजर आए। पहले 6 ओवर में 26 गेंदों में राहुल ने सिर्फ 11 रन बनाए थे, वहीं विराट ने 8 गेंदों में 3 रन बनाए। आखिर में केएल राहुल और सूर्य कुमार यादव की 93 रन की साझेदारी ने भारत को ये मुकाबला जिता दिया। इसके बाद इंडिया और साउथ अफ्रीका के बीच दूसरा टी20 मैच 2 अक्टूबर को खेला जाना है। नमस्कार, मेरा नाम है पुनीत। ये खबर आपके लिए हमारे साथी विपिन ने लिखी थी और कैमरे के पीछे हैं जतिन। ललन टॉप स्पोर्ट्स पर हम आपको क्रिकेट से जुड़ी ऐसी सारी बड़ी खबरें लगातार लेकर आते रहते हैं। इसके साथ साथ हम आपको बाकी सारे स्पोर्ट्स से जुड़ी भी सारी खबरें पेश करते रहते हैं। आप हमसे सोशल मीडिया पर भी जुड़ सकते हैं। हम फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम के जरिए आप तक लगातार सारी अपडेट्स पहुंचाते रहते हैं। फिलहाल हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और देखते रहिए ललन टॉप स्पोर्ट्स। शुक्रिया। नवरात्रि की शुरुआत हो चुकी है और साथ ही शुरू होने वाली है ललन टॉप की गुजरात यात्रा। गुजरात का सबसे रंगीन रूप देखने आ रही है ललन टॉप की टीम आपके शहर। हम पहुंच रहे हैं वडोदरा और अहमदाबाद और मेरे साथ जा रहे हैं अभिनव। कब जा रहे हैं हम अभिनव? 1 से 4 अक्टूबर के बीच हम आपके शहर आएंगे, आपसे पूछेंगे, आपसे बतियाएंगे, आप हमको सजेशन दीजिए, इतनी सी मदद कीजिए कि आपके शहर में सबसे अच्छा गरबा कहाँ खेला जाता है। हम भी चलेंगे, गरबा खेलेंगे, गुजराती खाना खाएंगे और उसके बाद खूब सारी स्टोरीज इनके लिए ले आएंगे। लेकिन उसके लिए हमको आपको सजेशन देना है। कहाँ पे सजेशन देंगे? chunav@lallantop.com पर। फटाफट अपना सजेशन हमें मेल कर डालिए, बताइए हमें कहाँ जाना है, कैसे करना है, आपके बीच आपका ललन टॉप आ जाएगा। जल्द ही मुलाकात होगी।